हाय फ्रेंड्स, कल्पन्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गोवा का वेजिटेबल खतखते। जो सब्जियां आपको चाहिए वो ले सकते हैं। मैंने इधर लिया है गाजर, डब्बू, मिर्ची, पोटैटो, ओनियन, चना उबाल के लिया है मैंने, फ्लावर के तुरे लिए हैं, टोमेटो और दूधी, इसको पोपड़ा बोलते हैं, और ग्रेटेड कोकोनट लिया है मैंने, ओनियन लिया है बड़ा सा मैंने, गुड़ लिया है, नमक 10-11 मैंने रेड चिलीज लिए हैं, हल्दी पाउडर लिया है मैंने आधा चमचा, और तिरफल। ये जो इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं उसकी हम अब पेस्ट बनाएंगे। हमारी पेस्ट अब ऐसे दिखेगी। हम गैस पर बर्तन चढ़ाएंगे। आधा कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि जब सब्जियां बॉईल होती हैं तो उसका पानी भी छूट जाता है। अगर चाहिए तो हम बाद में गर्म पानी उसमें ऐड करेंगे, ठंडा पानी उसमें नहीं ऐड करना है। अब हम जो सब्जियां हमने काट के रखी थी वो हम सब उसमें डालेंगे। मैंने कुकर को नहीं लगाया है क्योंकि वो बाद में सब्जियां गल जाती हैं, तो मैं ऐसे ही गैस पर ही बर्तन में उसको पकाती हूँ। एक एक सब्जी मैं डाल रही हूँ। ये डिश हम ज़्यादा से ज़्यादा गोवा में चतुर्थी और दिवाली को बनाते हैं। और ओनियन अभी सब सब्जियां मैं एक एक करके उसमें डालूंगी, और मैं उसको ढककर 2-3 मिनट रखूंगी और गैस तेजी रखूंगी। देखो, और हमारे सब वेजिटेबल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम तो पानी भी देखो कितना छूट गया है। मैंने थोड़ा ही पानी डाला था, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। अब हम उसमें नमक ऐड करेंगे। बाद में हम उसमें चाहिए तो ऐड करेंगे। अब हम उसमें जो चना हमने बॉईल करके रखा था वो उसमें डालेंगे, और जो ग्रेवी हमने करके रखी थी वो भी इसमें डालेंगे। पानी अगर चाहिए तो उसमें बाद में ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा गर्म ही पानी लिया है, ठंडा पानी उसमें नहीं डालना है। अब उसको हम एक बॉईल आने तक ढक के रखेंगे और गैस थोड़ी धीमी करेंगे। अब उसको अच्छा सा उबाल आ चुका है तो हम गैस थोड़ी तेज करेंगे और उसमें तिरफल, हम उसको गोवा में उसको तेफड़ा बोलते हैं, उसमें तेफड़ा डालने से उसका टेस्ट अच्छा आता है। और मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने 4-5 पीसेस मैंने कोकम लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और टेस्ट के लिए मैंने गुड़ लिया है, गुड़ मैं डाल रही हूँ, उसको टेस्ट अच्छा आएगा।
अब उसको हम थोड़ा पकने देंगे और 2 मिनट उसको हम पकने देंगे। अब हम उसको ढक के नहीं रखेंगे, ऐसे ही उसको थोड़ा पकने देंगे। हमारा गोवन स्पेशल खतखते रेडी हैं। अब हम गैस बंद करेंगे। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम सर्व करेंगे।